सो गाइज़, आज के वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरह का ईद मुबारक एनिमेटिंग वाला वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पूर्व हमारे इंडिया में ईद होने जा रहा है दोस्तों, 2 या 3 दिन पूर्व। तो इस तरह का अगर ईद एनिमेटिंग वाला वीडियो अगर बना के आप टिकटॉक पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर डालोगे या आप किसी अपने मोबाइल में स्टेटस लगाओगे व्हाट्सएप पर, तो काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को लगेगा। तो इस तरह का वीडियो आपको इस वीडियो में बनाने के लिए बताने वाला हूँ। सो गाइज़, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको काइनमेटर ओपन कर लेना है और प्लस आइकन पर टाइप करना है और यहाँ से 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो लेकर के आ जाना है। ओके, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपको चलना है मीडिया ब्राउज़र में और एक कलर बैकग्राउंड फुटेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर लेकर के आना है। ओके दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कलर बैकग्राउंड वाला फुटेज यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ से चलना है आपको लेयर वाले आइकन पर और चलना है मीडिया ब्राउज़र में और एक और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो टेम्पलेट का लिंक होगा ईद मुबारक टेम्पलेट का, मैंने बहुत सारे पीएनजी वगैरह जोड़ के बना चुका हूँ। ओके दोस्तों, वो आपको मिल जाएगा, उसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर लेकर के आ जाना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ, सिंपली आपको करना क्या है, स्क्रीन पर टाइप करना है और इसे इसका साइज को फुल कर देना है। ओके दोस्तों, उसके बाद सिंपली डन कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस वीडियो पर टाइप करना है और इस तरीके से स्क्रॉल करना, एक ऑप्शन देखेगा क्रोमा की का, उस पर टाइप करना, इसे इनेबल कर देना। ओके दोस्तों, उसके बाद की कलर यहाँ ध्यान रहे दोस्तों, आपका येल्लो होना चाहिए। ओके, उसके बाद इस तरीके से हल्का फुल्का मैच कर देना है आपको, उसके बाद आपको सिंपली डन कर देना है। तो आपका वीडियो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है लगभग दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या है, इस वीडियो पर टाइप करना, इसका क्रोमा की को इस तरीके से और एडजस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद सिंपली आपको करना क्या दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड फुटेज है जहाँ से स्टार्ट होता है उससे थोड़ा सा पार्ट, यानी कि 7 या 1 सेकंड के लगभग आपको यहाँ से काट देना है। सिंपली कैंची में जाना है और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ लेट करके काट देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ फुटेज कट चुका है और आपका वीडियो कुछ इस तरीके का बन के रेडी हो गया है। इस वीडियो पर टाइप करना है दोस्तों और लास्ट में चले जाना है, फिर से इस बैकग्राउंड फुटेज पर टाइप करना, इस पर सीजर में जाना है और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देना है, तो ये बराबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आप अपना वीडियो प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और ईद मुबारक वाला वीडियो। ओके दोस्तों, उसके बाद आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली शेयर वाले आइकन पर टाइप करना है और यहाँ से 720p और 30 का फ्रेम रेट लेते हुए यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।